नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और समय का सदुपयोग करते हुए जीवन में निर्धारित अपने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे। हम सब प्रतिदिन कई बार क्लॉक यानी घड़ी को देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी क्लॉक के द्वारा हम समय के साथ साथ बहुत से अन्य बोरिंग और टफ समझे जाने वाले टॉपिक्स को इंटरेस्टिंग और इजी तरीके से समझ सकते हैं। तो आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम घड़ी के द्वारा भिन्न की अवधारणा को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शंस थ्रू क्लॉक। अब तक हमने घड़ी के द्वारा सीखा समय को देखना, सैल्यूटेशंस ऑफ द डे, हमने समझा 12 आवर और 24 आवर क्लॉक के बारे में, साथ ही साथ हमने सीखा एएम और पीएम के कॉन्सेप्ट को। लास्ट वीडियो में हमने एंगल के कॉन्सेप्ट को क्लॉक के द्वारा समझा। आज इस वीडियो में हम लोग अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रैक्शंस थ्रू क्लॉक करेंगे, यानी भिन्न की अवधारणा को घड़ी के द्वारा समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर घड़ी के पूरे एक चक्कर को यानी 60 मिनट को हमने एक एक मिनट के 60 भागों में विभाजित किया है, 60 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पर जो एक पार्ट है, एक स्मॉल पार्टीशन है एक मिनट का, उसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो उसकी वैल्यू होगी यहाँ पर 1/60। यानी यहाँ पर हमने क्लॉक का पूरा एक पाथ है, एक चक्कर है 60 मिनट या 1 आवर का, उसको हमने 1 मिनट के 60 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और जो एक पार्ट है एक मिनट का, उसकी फ्रैक्शन में वैल्यू होगी 1/60। यहाँ पर जो 1 है वो वह वाला भाग है जिसका हम फ्रैक्शन में मान निकालना चाहते हैं, और जो 60 है वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं जो हमने होल के किए हैं। यहाँ पर 1 इसको हम न्यूमरेटर या अंश कहते हैं, और जो 60 लिखा है, 60 लिखा है, इसको हम डिनोमिनेटर या हिंदी में इसे हम हर या भाजक कहते हैं। तो आइए अब इस फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ से जो हमने सीखा वो है, अ फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, एक भिन्न दो संख्याओं का अनुपात है। इसे हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। P वो भाग होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं, और Q टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स या कुल भाग होते हैं जो हमने होल के किए हैं। अपर नंबर इज कॉल्ड न्यूमरेटर, इसे हम अंश भी कहते हैं, यानी अंश भिन्न का वह भाग होता है जो ऊपर लिखा जाता है। लोअर नंबर इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, हिंदी में इसे हम भाजक या हर कहते हैं। भाजक या हर भिन्न का वह भाग होता है जो अंश के नीचे लिखा जाता है। When a whole of something is divided into the number of parts, then each part is referred to as a fraction. यानी अगर हम भिन्न को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं, जब किसी संपूर्ण चीज को कई भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग एक भिन्न होता है। अब इस भिन्न के कॉन्सेप्ट को हम क्लॉक के द्वारा आइए समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शंस यूजिंग क्लॉक, यहाँ पर कुछ फिगर दिखाए गए हैं। इनमें से पहला फिगर हम लेते हैं, इसमें घड़ी के एक कंप्लीट राउंड को दिखाया गया है। कंप्लीट राउंड यानी 1 आवर, एक घंटे का समय या 60 मिनट का समय। जो 60 मिनट है इसमें घड़ी अपना एक पूरा चक्कर कंप्लीट करती है और 1 आवर के बराबर होता है। यहाँ फिगर 2 में हमारा घड़ी का पाथ है, उसको हमने 30-30 मिनट्स के दो भागों में विभाजित किया है। जो दो भाग हैं, उनमें से जो एक भाग है 30 मिनट का, उसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो इसको हम लिखेंगे 1/2, क्योंकि अभी पीछे हमने सीखा है कि कोई भी वस्तु है उसके अगर किसी भाग को हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो अंश में वह संख्या आती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ फिगर 2 में हमने जो घड़ी का एक राउंड है 60 मिनट का, उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 30 मिनट का 1 पार्ट एंड दूसरा भी 30 मिनट का पार्ट। यहाँ पर 30 मिनट का समय है, उसे अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 1/2, क्योंकि पीछे अभी हमने सीखा कि जो भिन्न है उसको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, और न्यूमरेटर में वो पार्ट आता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स
होल के आते हैं। तो यहाँ जो होल के हमने पार्ट्स किए हैं वो दो पार्ट किए हैं और उनमें से एक पार्ट को हम फ्रैक्शन में लिख रहे हैं। यहाँ पर आप एक बात और समझ सकते हैं कि जो घड़ी का पूरा पाथ है वो 60 मिनट का होता है, यानी 30-30 मिनट्स के दो पार्ट। अब जब 30 मिनट्स को हम लिखते हैं 1/2, तो यहाँ पर हम इसे पूरे कंप्लीट पाथ को लिखेंगे, यहाँ पर 1/2 + 1/2 = 1। यह इसका फ्रैक्शन में एक लिखने का तरीका हो गया। अब आइए देखते हैं फिगर नंबर 3 को। यहाँ पर जो घड़ी का पूरा पाथ है उसको 15-15 मिनट्स के चार भागों में विभाजित किया गया है, यानी 4 क्वार्टर्स में बांटा गया है। जो इसका एक भाग है यानी जो 15 मिनट का भाग है, इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो इसे हम 1/4 लिखते हैं। 1/4 क्यों? क्योंकि अभी आपने सीखा कि जब हम किसी पार्ट को फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं तो न्यूमरेटर में वह संख्या आती है जिसके बारे में, जिस भाग के बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी 15 मिनट का भाग, जो टोटल हमने चार भाग किए हैं 60 मिनट के, उसमें से एक भाग। और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वो हैं आपके 4। तो फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू हुई 1/4, 1/4 ऑफ एन आर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो घड़ी का पूरा पाथ है वो होता है 60 मिनट का, यानी 15-15 मिनट्स के 4 पार्ट यहाँ पर होंगे। और एक पार्ट को यदि हम 1/4 लिख रहे हैं, यानी अगर हम यहाँ पर 1/4 करें +1/4 + 1/4 + 1/4, तो यहाँ पर हमारा एक राउंड कंप्लीट होता है, 1 आवर कंप्लीट होता है। अभी जो फिगर 2 में आपने देखा और जो फिगर 3 में देखा, इनको हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस का नाम भी दे सकते हैं। आइए अब फिगर 4 को देखते हैं। यहाँ पर फिर से जो आपकी घड़ी का पूरा पाथ है उसको 4 क्वार्टर्स में बांटा गया है, लेकिन अभी हम यहाँ पर 3 क्वार्टर्स को फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहते हैं। 3 क्वार्टर्स यानी 45 मिनट्स को। यहाँ पर टोटल आपने जो पार्ट्स किए होल के वो हैं आपके 4, और उनमें से 3 पार्ट्स यानी 45 मिनट्स को आप फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं, तो हम इसे लिखेंगे 3/4, क्योंकि टोटल जो हमने होल के पार्ट्स किए हैं वो हैं 4, और उनमें से 3 पार्ट्स को हम फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, इसलिए इसकी वैल्यू होगी 3/4। यहाँ पर जो 3/4 है वो आपकी घड़ी की सुई, वो पार्ट घूम चुकी है ऑफ एन आर का, लेकिन अभी जो फिगर 3 में आपने देखा 15 मिनट्स का जो टाइम है उसको हम लिखते हैं 1/4। यानी अगर जो 3/4 पार्ट है उसमें जो रिमेनिंग पार्ट है 1/4, इसको हम ऐड करें तो घड़ी का एक चक्कर कंप्लीट होगा 1 आवर का। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3/4 + 1/4 = 1 आवर या 1 complete round ऑफ अ क्लॉक। यहाँ पर अभी जो आपने फिगर 2, फिगर 3 और फिगर 4 में पूरे पाथ को, एक कंप्लीट राउंड को फ्रैक्शन के एडिशन के रूप में लिखा, अभी उसको आइए हम सब्सट्रैक्शन के रूप में देखते हैं। यहाँ पर जो आपका पूरा कंप्लीट पाथ है वो है आपका 1, यानी 1 आवर का। और यहाँ पर जो अभी आपका रिमेनिंग पार्ट है फिगर 4 में, यहाँ पर रुकिए मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए, ये जो आपका पार्ट है 15 मिनट, यानी फ्रैक्शन में जिसकी वैल्यू है 1/4, अगर जो टोटल आपका होल एक पाथ है, एक राउंड है, उसमें से अगर हम इस पार्ट को 15 मिनट या 1/4 को माइनस कर दें, तो हमारा ये वाला पाथ निकल के आएगा जो है हमारा 3/4। यानी इसको हम यहाँ पर फ्रैक्शन के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, 1 - 1/4 = 3/4। इसी बात को हम एक और तरीके से कह सकते हैं कि जो पूरा होल है यानी 1 राउंड, अगर उसमें से जो हमने डिस्टेंस कवर की है, यानी कि 3/4 पार्ट्स ऑफ एन आर, इसको अगर हम माइनस कर दें, तो जो पार्ट अभी हमारा इनकम्प्लीट है यानी 1/4 या 1/4 का, वो निकलेगा। तो इसको हम दूसरी तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 - 3/4 = 1/4, यानी 1 होल राउंड माइनस वो वाला पार्ट जो आपने कवर कर लिया है,
और इक्वल टू वो वाला पार्ट जो अभी आपका रिमेनिंग है और यहाँ पर है 1/4 15 मिनट या 1/4 of an hour। अगर आपको एडिशन एंड सब्स्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस अलग से भी सीखने हैं तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पर हम लोग अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शंस यूजिंग क्लॉक सीख रहे हैं, तो आइए इसी क्रम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द नंबर ऑफ टर्न्स डन बाय क्लॉक हैंड इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। यहाँ पर पूरी एक घड़ी का, एक घंटे का 60 मिनट का पाथ दिखाया गया है, उसमें से हमने यहाँ पर एक क्वार्टर को शेडेड किया है, ब्लू कलर किया है। इस 15 मिनट को अगर हम आवर का ये कितना पार्ट है यानी इसको हम फ्रैक्शन ऑफ आर में लिखना चाहें तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू होगी 15/60। क्यों होगी 15/60, क्योंकि यहाँ पर जो होल है उसको हमने 1 1 मिनट के 60 पार्ट्स में डिवाइड किया है और यहाँ पर उन 60 पार्ट में से 15 पार्ट्स यानी 15 मिनट्स को हम फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं, तो इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू होगी 15/60। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, आएगा 1/4। 1/4 ऑफ व्हाट? 1/4 ऑफ एन आर या 1/4 ऑफ अ कंप्लीट राउंड। नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं, यहाँ पर 30 मिनट्स के समय को दिखाया गया है क्योंकि जो घड़ी है वो दो बड़े खानों के बीच में 5 मिनट की डिस्टेंस कवर करती है, यानी यहाँ पर 6 बिग डिविजन्स लिए गए हैं तो जो टोटल समय है वो 6 × 5 यानी 30 मिनट का है। अब इस 30 मिनट को हमें फ्रैक्शन में लिखना है या हमें लिखना है कि ये होल का, होल राउंड का या एन आर का कितना पार्ट है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 30/60। 30/60 इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1/2 टर्न या 1/2 ऑफ एन आर, 1/2 ऑफ अ कंप्लीट राउंड। नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं, यहाँ पर हमने 3/4 यानी कि 45 मिनट्स के समय को लिया है और इस 45 मिनट्स को हम ये कितना पार्ट है एक कंप्लीट राउंड का या एन आर का वो लिखना चाहते हैं, तो इसकी वैल्यू होगी 45/60। सॉल्व करेंगे 3/4 ऑफ एन आर। इसी तरीके से यहाँ पर पिक्चर 4, यहाँ पर जो घड़ी की सुई है वो पूरे 60 मिनट घूम चुकी है। 60 मिनट यानी कि 60 स्मॉल डिविजन्स उसने कंप्लीट कर लिए हैं जहां पर हमने एक पूरे राउंड को 1 1 मिनट के 60 पार्ट्स में बांटा था। तो अगर अब हम इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो जो टोटल पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हैं हमारे 60 और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो हमने किए हैं होल के वो भी हैं 60। तो यहाँ पर इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 60/60। 60/60 यानी 1 full hour या एक कंप्लीट राउंड। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो 60 मिनट है वो एक घंटे के बराबर होता है और 60 मिनट को हम एक घंटा या 1 full hour कहते हैं। यहाँ पर आपको एक क्लॉक दिखाई गई है और आप देख रहे हैं कि क्लॉक के ऊपर एक प्रोटेक्टर रखा हुआ है, यानी कि हम ये देख पा रहे हैं कि जो घड़ी की सुई है वो एक राउंड को कंप्लीट करने में 60 मिनट की दूरी तय कर रही है और एक पूरे चक्कर को पूरा करने में 360 डिग्री घूम रही है। यहाँ पर इस स्लाइड में हम सीखेंगे कि जो घड़ी की सुई है वो कितने मिनट में कितने डिग्री घूमती है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक स्मॉल डिविजन लेते हैं, यहाँ पर एक स्मॉल डिविजन की फ्रैक्शन में वैल्यू होगी 1/60। 1/60 क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमने होल के टोटल पार्ट्स किए हैं वो हैं 60 और उन 60 पार्ट में 1 पार्ट यानी 1 मिनट को हम फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू होगी 1/60। अब यहाँ पर जो घड़ी की सुई है जब वो 60 मिनट में या एक पूरे चक्कर में 360 डिग्री मूव करती है तो 1/60 पार्ट में वो कितने डिग्री घूमेगी, वो घूमेगी जो टोटल पाथ में घूमती है उसका 1/60 टाइम्स, यानी यहाँ पर 360 × 1/60 और ये हमारा निकला 6 डिग्री।
अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि घड़ी की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कैसे घूमती है, ये आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि 5 मिनट में घड़ी की सुई कितना घूमेगी, कितनी डिग्री मूव करेगी। 5 मिनट्स यानी 60 में से 5 पार्ट्स या 5 मिनट का हमें फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। इसकी वैल्यू लिखी हुई है, ये होगी 5/60। सॉल्व करेंगे 1/12, यानी इस 5/60 पार्ट्स ऑफ एन आर में घड़ी की सुई कितना मूव करेगी, वो मूव करेगी जितना टोटल पाथ में मूव करती है उसका 3/60 × 5/60 टाइम। सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 30 डिग्री। अब यहाँ पर हम 15 मिनट्स के लिए देखते हैं। 15 मिनट्स में जो फ्रैक्शन के रूप में इसको लिखेंगे वो होगा आपका 15/60। इसको हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी 1/4। अब इस 1/4 पार्ट ऑफ एन आर में या 15/60 पार्ट ऑफ एन आर में घड़ी की सुई कितना घूमेगी, ये घूमेगी 360 का 15/60 टाइम्स, यानी 360 × 15/60। आपने इसको सॉल्व किया तो ये हुआ 90 डिग्री। यानी 1/4 या 15 मिनट में जो घड़ी की सुई है वो 90 अंश घूम जाती है, 90 डिग्री मूव करती। इसलिए वो 4/4 में 90, 90 और 90 यानी 90 × 4 360 डिग्री टोटल पाथ में घूम जाती है। आइए अब आगे 20 मिनट की कैलकुलेशन देखते हैं। 20 मिनट को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 20/60 और ये 1/3 के बराबर होगा, यानी 1/3 पार्ट ऑफ एन आर या 20/60 पार्ट ऑफ एन आर में घड़ी की सुई कितने डिग्री मूव करेगी, वो करेगी जो वो टोटल पाथ में घूमती है उसका 20/60 टाइम्स। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 120 डिग्री। बच्चों एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब कभी भी हम फ्रैक्शन को लिखते हैं तो उसको हमेशा मिनिमाइज्ड वैल्यू में लिखते हैं। यानी जैसे यहाँ पर आपका ये 20/60 है तो इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे पहले तो ये आपका आएगा कितना आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4/12। फिर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और इसकी वैल्यू आएगी 1/3। तो नॉर्मली जब हम कभी फ्रैक्शंस को लिखते हैं उसको हम मिनिमम वैल्यू में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बेसिक समझाना है इसलिए हमने 20 डिविजन्स को ऊपर लिखा है और नीचे 60 वो डिविजन्स हैं जो हमने कंप्लीट यानी कि होल के किए हैं। यहाँ पर आपने समझा कि जो घड़ी की सुई है वो 20 मिनट्स में 120 डिग्री मूव करती है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो घड़ी की सुई है उसमें 1 घंटे में या 1 राउंड में होते हैं टोटल 60 मिनट यानी 20 मिनट्स के 3 पार्ट। जब 1 मिनट में ये घूमती है 6 डिग्री या यहाँ पर आपने निकाला कि 20 मिनट में ये घूमेगी 120 अंश, तो जो दूसरे 20 मिनट हैं उसमें भी ये घूमेगी 120 अंश। इसी तरीके से जो साइकिल है उसको कंप्लीट करने के लिए ये तीसरे 20 मिनट हैं उसमें भी घूमेगी यहाँ पर 120 अंश। इस तरीके से पूरा वो राउंड कंप्लीट करेगी और वो यहाँ पर 360 डिग्री मूव कर जाएगी, 360 अंश घूम जाएगी। बच्चों अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो फ्रैक्शन है, जो जैसे यहाँ पर 20/60 इसको हमने मिनिमाइज्ड फॉर्म में 1/3 लिखा। ये जो 1/3 है अगर आप उसको इस फिगर से समझना चाहें, यहाँ पर भी देख सकते हैं जो टोटल पाथ है आपका ये है आपका 60 मिनट का। यहाँ पर 60 मिनट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी इन 3 पार्ट्स में हर एक पार्ट 20 मिनट का है और उस 20 मिनट को हम फ्रैक्शन में लिख रहे हैं और टोटल पार्ट हैं आपके 3 और हम बात कर रहे हैं 1 पार्ट की, इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ से 1/3 आई। आइए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर अब हमने 30 मिनट का एक टाइम लिया है कि 30 मिनट में घड़ी की सुई कितने डिग्री घूमेगी, तो फिर से यहाँ पर जो 30 मिनट्स हैं उसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, उसकी वैल्यू होगी 30/60
यानी कि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2। अब इस 30/60 पार्ट्स ऑफ एन आर में घड़ी की सुई कितने डिग्री घूमेगी, जबकि वो कंप्लीट राउंड में 360 डिग्री घूमती है, वो घूमेगी 360 × 30/60। सॉल्व करेंगे आएगा आपका 180 डिग्री, यानी घड़ी की जो सुई है 30 मिनट में 180 अंश घूमती है। और इस तरीके से यहाँ 30-30 मिनट के दो पार्ट होंगे और जो घड़ी की सुई है वो 180 अंश और 180 अंश को तय करते हुए टोटल पाथ में 360 डिग्री घूम जाएगी। लेट्स अंडरस्टैंड डिफरेंट फ्रैक्शंस अलोंग विद देयर रिस्पेक्टिव एंगल्स इन अ क्लॉक। यहाँ पर जो हमने पीछे सीखा आइए उसी को समराइज्ड में देखते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले एक मिनट को देखते हैं कि एक मिनट में कितने डिग्री घूमेगी। एक मिनट को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें उसकी वैल्यू होगी 1/60, और इस 1/60 पार्ट्स ऑफ एन आर में जो घड़ी की सुई है वो घूमेगी 360 × 1/60 यानी कि 6 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ जो 5 मिनट्स हैं वो आवर का 5/60 टाइम्स होगा यानी कि 1/12 ऑफ एन आर। इस 5/60 पार्ट ऑफ एन आर या 5 मिनट में जो घड़ी की सुई है वो घूमेगी 360 × 5/60 यानी कि 30 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ पर 10 मिनट्स लिए गए हैं। 10 मिनट्स को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 10/60 यानी 1/6, और इस 10/60 पार्ट्स ऑफ एन आर या 10 मिनट में जो घड़ी की सुई है वो घूमेगी 360 × 10/60 यानी कि 60 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ पर 15 मिनट्स या जो 1/4 है उसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे उसकी वैल्यू होगी 15/60, सॉल्व करेंगे 1/4, और इस 15/60 पार्ट्स ऑफ एन आर या 15 मिनट में घड़ी की सुई कितनी घूमेगी, वो घूमेगी 360 × 15/60 यानी कि 90 डिग्री। इस तरीके से एक पूरे पाथ में जहां पर 4/4 होते हैं घड़ी की सुई 90 × 4 यानी 360 डिग्री मूव करेगी। इसी तरीके से यहां पर अब हम देखते हैं 20 मिनट्स में। यहां 20 मिनट्स यानी 20/60 पार्ट्स ऑफ अ कंप्लीट राउंड में घड़ी की सुई कितना घूमेगी, वो घूमेगी 360 × 20/60 यानी कि 120 डिग्री। इसी तरीके से यहां पर देखते हैं 30 मिनट है, 30 मिनट इसको हम लिखेंगे 30/60 ऑफ एन आर, और इस 30 मिनट में घड़ी की सुई घूमेगी 360 × 30/60 यानी कि 180 डिग्री। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। लेट्स प्रैक्टिस यूजिंग द क्लॉक। यहाँ पर एक घड़ी है जिसको हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है। घड़ी में टोटल एक चक्कर में 60 मिनट होते हैं, यानी यहाँ पर हमने जब इसको 12 भागों में विभाजित किया तो हर एक पार्ट है वो 5 मिनट का है। इस तरीके से 5 × 12 60 मिनट का हमारा एक कंप्लीट राउंड है। यहाँ पर पहला बड़ा भाग है 12 से लेकर 1 तक, ये है हमारा 5 मिनट्स का, या अगर इसको हम 12 में से एक भाग के रूप में कंसीडर कर रहे हैं तो फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू होगी 1/12। अब इस 1/12 पार्ट्स ऑफ एन आर में घड़ी की सुई है वो कितना मूव करेगी, वो करेगी 360 × 1/12 यानी कि 30 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ हमने 12 में से दो पार्ट्स को लिया है, इस दो पार्ट्स में यानी 10 मिनट में घड़ी की सुई घूमेगी 2/12 टाइम्स ऑफ 360 यानी कि 60 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ पर अब हमने 3 बिग पार्ट्स को लिया है, 3 बड़े खानों को लिया है जिनका मान 15 मिनट है या जो 1/4 के बराबर है। तो यहाँ पर इस 15 मिनट को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे वो हम लिखेंगे 3/12, और इस 3/12 पार्ट ऑफ एन आर या 15 मिनट में जो घड़ी की सुई है वो घूमेगी 360 × 3/12 यानी 90 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ पर जो 20 मिनट है उसमें घड़ी की सुई 120 डिग्री घूमेगी, और जो 25 मिनट का समय है 25 मिनट यानी 5 पार्ट्स
तो 5 पार्ट्स को फ्रैक्शन में हम लिखेंगे 5/12, और इस 5/12 पार्ट्स ऑफ एन आर में जो घड़ी की सुई घूमेगी वो अपने टोटल पाथ का 5/12 टाइम्स घूमेगी और यहाँ पर हमारी वैल्यू निकलेगी 150 डिग्री। इसी तरीके से अब हमने यहाँ पर 6 डिविजन्स लिए हैं, 6 डिविजन जो हमने 12 डिविजन किए थे उनमें से 6 डिविजन और 1 डिविजन था हमारा 5 मिनट का, यानी यहाँ पर 6 × 5 टोटल 30 मिनट्स को हम फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू होगी 6/12। और इस 30 मिनट या 6 डिविजन में जो घड़ी की सुई है वो मूव करेगी 180 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ पर हमने 7 पार्ट्स लिए हैं, 7 पार्ट्स यानी कि 7 × 5 35 मिनट्स का जो समय है उसमें घड़ी की सुई 360 × 7/12 यानी 210 डिग्री मूव करेगी। आगे यहाँ पर 8 पार्ट्स में 8 पार्ट्स यानी 8 × 5 40, और इस 40 मिनट्स में या जो 8 पार्ट्स ऑफ होल हैं जो जहां पर होल जो हैं उसके हमने 12 पार्ट्स किए हैं, जो घड़ी की सुई है वो घूमेगी 240 डिग्री। आगे हमने यहां पर 9 पार्ट्स लिए हैं जहां पर जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वो है 12, 9 पार्ट्स यानी जो 45 मिनट हैं उसमें घड़ी की सुई 270 डिग्री मूव करेगी। इसी तरीके से यहां पर हमने 10 पार्ट्स लिए हैं जबकि जो टोटल हैं वो पार्ट्स हैं आपके 12, तो 10 पार्ट्स इक्वल टू 10 × 5 यानी कि 50 मिनट। तो जो 50 मिनट्स हैं उसमें जो घड़ी की सुई है वो 300 डिग्री मूव करेगी, 300 अंश घूम जाएगी। इसी तरीके से 12 में से यहाँ पर जो 11 डिवीजन है, 11 डिवीजन यानी 11 × 5 55 मिनट्स में जो घड़ी की सुई है वो 330 डिग्री मूव करेगी। और यहाँ फाइनली हमारा राउंड कंप्लीट हुआ, हमने पूरे जो 12 राउंड हैं यानी जो 60 मिनट की दूरी घड़ी की सुई ने तय की है उसमें वो कितने अंश मूव करेगी, वो करेगी टोटल 360 डिग्री मूव, यानी यहाँ पर हमारी जो घड़ी की सुई है उसका एक 60 मिनट का राउंड कंप्लीट हुआ और इस 60 मिनट में जो घड़ी की सुई है वो 360 डिग्री या 360 अंश घूम गई। आज हमने सीखा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट पार्ट्स ऑफ अ होल और अ कलेक्शन। व्हेन वी डिवाइड अ होल इनटू इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज अ फ्रैक्शन ऑफ होल। फ्रैक्शन इज रिटन इन फॉर्म ऑफ P/Q, where Q does not equal to 0, and here P is equal to how many parts we are talking about, and Q is equal to total number of parts. यहाँ पर एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करते हैं जो हमने आज सीखा है। यहाँ पर आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, 5 मिनट है, 5 मिनट में जो घड़ी की सुई है वो घूम रही है आपकी 30 डिग्री। और इसी तरीके से हमने आगे सीखा जो 10 मिनट्स हैं उसमें घड़ी की सुई कितने अंश घूमेगी, ये घूमेगी 60 अंश। इसी तरीके से यहाँ पर आपका 15 मिनट का समय है जो एक क्वार्टर है, सबसे पहले उसको हमने फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे ये सीखा, साथ ही साथ हमने सीखा कि इस 15 मिनट में या एक क्वार्टर में घड़ी की सुई कितना घूमेगी, वो घूमेगी 90 डिग्री। और इस तरीके से जब 4 क्वार्टर होते हैं तो वो 90 डिग्री के 4 पार्ट्स को कवर करती है और वो 360 डिग्री मूव करती है एक कंप्लीट राउंड में। इसी तरीके से हमने यहाँ पर 20 मिनट्स के लिए कैलकुलेशन सीखी, जो 20 मिनट्स हैं 20 मिनट्स को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 20/60, और इस 20 मिनट्स में जो घड़ी की सुई है वो 120 डिग्री मूव करती है, यानी पूरे राउंड को कंप्लीट करने में वो 120 × 3 times, क्योंकि 20-20 मिनट के 3 पार्ट्स को वो कवर करती है, और इस तरीके से 60 मिनट्स में वो पूरे 360 डिग्री मूव करती है। आगे हमने सीखा 30 मिनट्स में घड़ी की सुई कितना मूव करेगी, वो मूव करेगी 180 डिग्री, क्योंकि 30-30 मिनट्स के 2 राउंड कंप्लीट करेगी इसलिए 180 अंश मिलाकर वो टोटल 360 डिग्री या 360 अंश का अपना एक राउंड कंप्लीट करेगी। तो यहाँ से हमें ये हमेशा ध्यान रखना है जो घड़ी की सुई है वो 60 मिनट में पूरे एक राउंड को कंप्लीट करती है और इस 60 मिनट में वो 360 अंश
घूम जाती है। मुझे उम्मीद है कि आज आपने क्लॉक के द्वारा फ्रैक्शन को एक इंटरेस्टिंग वे में सीखा होगा और आपको मजा आया होगा। अब तक हमने सीरीज द क्लॉक सेज अ लॉट में सीखा घड़ी को देखना, सैल्यूटेशंस ऑफ द डे, एएम पीएम के कॉन्सेप्ट को समझा और हमने सीखा 12 आवर क्लॉक और 24 आवर क्लॉक के बारे में। साथ ही साथ पार्ट टू में हमने सीखा एंगल्स के कॉन्सेप्ट को और आज यानी पार्ट थ्री में हमने समझा फ्रैक्शंस को क्लॉक के द्वारा। आगे आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे एग्जैक्ट एंगल बिटवीन दी क्लॉक हैंड्स। आपको ध्यान होगा पार्ट टू में भी हमने एंगल्स को कंप्लीट किया था, लेकिन वहां पर हम ये मान के चले थे जो घड़ी की आवर हैंड है या जो घंटे वाली सुई है वो फिक्स है, लेकिन आप सब जानते हैं एक्चुअल में जब घड़ी की मिनट वाली सुई आगे बढ़ती है तो जो हमारी आवर वाली सुई है वो भी साथ साथ धीरे धीरे मूव करती है। किसी पर्टिकुलर टाइम में इन दोनों सुइयों के बीच में एग्जैक्ट एंगल क्या बनेगा ये हम सीखेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।